इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। लाल वरण सूरज उजियारा,
वहां पर गोद में बड़ी मनमोहक बादलों की गर्जन मृदंग मनमोहिनी आवाज में वहां उस लोक में गूंजती रहती है। अब ब्रह्म का वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। प्रेमी भाई बहनों, वहां के धनी को प्राण पुरुष भी कहा जाता, क्योंकि ये जो आपके प्राण हैं, ये यही से नीचे उतारे गए। जो साधक यहाँ तक पहुंच जाते उनको योगेश्वर कहा जाता। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच यहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान ब्रह्म स्वरूप हो गया। प्रेमी भाई बहनों, श्री कृष्ण भगवान को यही से नीचे उतारा गया था। राम जो थे वो पहले स्थान से यानी निरंजन भगवान के देश से नीचे उतारे गए और श्री कृष्ण भगवान ये दूसरे स्थान से यानी ब्रह्म देश से नीचे उतारे गए। ये श्री कृष्ण भगवान का ही लोक है और वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर जीवात्मा तीसरे मंडल की चढ़ाई करती आगे पहुंची। सुन झंकार रण का धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत सुन्य है भाई और मान सरोवर पैठनाई। इसी के ऊपर तीसरा मंडल आता जिसे महात्माओं ने सुन देश यानी रारंग देश कह करके याद किया। वहां के धनी वहां के मालिक वो रारंग पुरुष है यानी पार ब्रह्म पुरुष है। वहां किंगरी और सारंगी ये दो धुने बड़ी मनमोहक मनमोहिनी आवाज में उस लोक में गूंजती रहती। और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना है जिसकी न लंबाई का पता न चौड़ाई का पता आज तक उसकी कोई था नहीं लगा पाया। महात्माओं ने जब देखा तो इशारों इशारों में वर्णन कर दिया कि संसार में ये जो समुद्र है, अरे ऐसे अरबों खरबों समुद्र उस मान सरोवर में डाल दिए जाएं तो उसकी एक बूंद के बराबर नहीं। इतना विशाल वो अमृत का सरोवर जब महात्माओं ने उसको देखा तो हम जीवों को यहाँ समझाने के लिए किसी ने उसका नाम गंगा रख दिया, किसी ने जमुना रख दिया, गुरु नानक साहब ने अमृतसर रख दिया। जब ये जीवात्मा उस अमृत के सरोवर में स्नान करती है तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाते। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली, ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा है, वह जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। अरे उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाई मिले जो मिया हारा है। प्रेमी भाई बहनों, उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद जीवात्मा का खुद का प्रकाश चौला सूर्य के बराबर हो जाता। तो फिर यही जीवात्मा फिर शब्द की धार को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करते। दो पर्वत के संग निहारो और भवर गुफा के संग पुकारो। दो पर्वतों के बीच में वो बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भवर गुफा कहा। वहां के धनी वहां के मालिक वो सोहन पुरुष है। वहां बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती और सोहन पुरुष का जो स्वरूप है दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। मलियागिरी की तरह सुगंधित हवाएं वहां चलती और इतनी भारी वहां खुशबू है। वहां की खुशबू का एक कतरा बालू के कण के बराबर एक कतरा यदि संसार में डाल दिया जाए तो संसार में इतनी खुशबू फैल जाएगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। वहां आंधियां चलती वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर जीवात्मा ऊपर
वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहां ना काल है ना कर्म है, ना दुख है ना संताप है, ना पुण्य है ना पाप है। अरे जो जीवात्माएं वहां पहुंच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहां के धनी वहां के मालिक वो शत्रु भगवान है जिनके रोम रोम में खरबों खरबों सूरज चांद सितारे प्रकाशमान। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद ये जीवात्मा ऊपर भी जाती। इसी के ऊपर तीन लोक और हैं, अलख अगम और अनामी धाम। अलख लोक में अलख पुरुष विराजमान, अगम लोक में अगम पुरुष और अनामी धाम में वो अनामी महाप्रभु विराजमान। वही सबसे आखिरी मंजिल है, वही अनामी महाप्रभु हमारे आपके सच्चे पिता हैं। अरे हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया, फिर शब्द को पकड़ करके हम लोगों को अपने घर यानी अनामी धाम वापस पहुंचना। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा है, एक अनी अनामा अभि सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक अनी अनामी महाप्रभु अपने अनामी धाम में अखंड राज करता है, वही हमारा आपका सच्चा मालिक। अरे शब्द को पकड़ करके हम लोगों को अपने घर यानी अनामी धाम वापस पहुंचना। शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर पहुंचो सचखंड सतनाम। संत मत कोई मजहब नहीं है, यहाँ ना कोई हिंदुओं के लिए लिहाज है और ना कोई मुसलमानों के लिए लिहाज है। अरे भाई आप हिंदू होकर के अंदर जाओ, आप मुसलमान होकर के अंदर जाओ, संतों का उपदेश सबके लिए एक ही है कि भाई शब्द को पकड़ करके मंजिल दर मंजिल अपने घर अनामी धाम वापस पहुंचो। तो कैसे शब्द को पकड़ा जाएगा, ये भजन करने का तरीका आपको बताया गया। एक बार फिर से आप लोग समझ लो कैसे भजन करो। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।